ऐसा एक त्यौहार जो अभी मैं बताऊंगी, बट उसके लिए आप देख लो प्रिपरेशन कल रात को ऑलरेडी डन कर रखी थी। वहाँ पे साग रखे हुए हैं, गोभी, बैगन, मूली, स्वीट पोटैटो, केले और पपीता नहीं बोलते उसको, क्या बोलते हैं, कद्दू, अदरक, आलू, मतलब बहुत कुछ रखा हुआ है, बहुत कुछ होने वाला है। तो अभी क्या होने वाला है मैं थोड़ी देर में बताऊँगी, क्योंकि अभी मैं ऑलरेडी और बाहर इतना शोर हो रहा है ना। हाय ऑल ऑफ यू, आप लोग सब कैसे हो? और इट्स गुड मॉर्निंग टाइम। और हाँ, तो वो शत गया। तो मैं ये आप बोल रही थी कि आज जैसे आप मॉर्निंग में सुना कि मैं आपको ये बता रही थी किसी चीज़ की प्रिपरेशन चल रही है, तो एक्चुअली वो किस चीज़ की प्रिपरेशन ले थे पहले वो बता लेते हैं, फिर इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो आज है नौबन्नो। व्हाट इज नौबन्नो? जब न्यू धान मतलब वीट राइस उगता है तो उसका एक मतलब छोटा सा ओकेशन होता है, तो उसको बोलते नौबन्नो। जो नौबन इन द सेंस चावल, फ्रूट, कस्टर्ड टाइप का एक क्रिएट किया जाता है और उसके बाद फैमिलीज मिलकर उसको सेलिब्रेट करती है, उद्यापन करती है, तो उसी को नौबन्न बोलते हैं। क्योंकि हमें अपने खाने को रिस्पेक्ट शो करना चाहिए, तो इट्स काइंड ऑफ वही सेलिब्रेशन है। सो हम यहाँ रहते हैं और नए चावल जो उगते हैं वो गांव में उगते हैं। अब वहाँ से जब कोई रिश्तेदार आता है तो वो उनको दे देते हैं, तो वो ले आते हैं, उसके बाद ये सब होता है सेलिब्रेशन। तो आज है संडे, इट्स अ वीकेंड। और छत पे थी, अभी हम नीचे जाके आपसे मैं शेयर करती हूँ कि हाँ, मेरा मुंह जल गया पूरा। अच्छा, मैंने सनस्क्रीन थोप थप के लगाया हुआ था, ठीक है। और पीछे देखो ग्रीनरी ग्रीनरी, और कपड़े सूख रहे हैं जो कि सबके घर में सूखते हैं, ठीक है। बिठाना मम्मी, तीजू कर रहे है मछली फ्राई। ओ, अभी मछली की मुंडी फ्राई हो रही है और ये फिश है। और दीदी आप बताना चाहोगे आप क्या कर रहे हो? मैं अभी आलू फ्राई कर रही हूँ और यहाँ पर मैंने कॉलीफ्लावर फ्राई कर रखा है, जो आलू और कॉलीफ्लावर की सब्जी बनेगी, झोल के साथ, झोल। हाँ, आलू फूलगोभी माथे झोल। और हाँ, ये हमारी जो नौबन्नो है उसमें ये मस्त है। हाँ, वो लंच के टाइम पे मस्त बनता ही है। सो आज मियाँ बीबी कर रहे है कुकिंग। दूध पी रहा हूँ भाई, दूध पी रहा। बंगाली से बाहर निकलो थोड़ा, पुछको 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 पुछको। और पीछे बज रहा है बंगाली सॉन्ग, तो शायद कॉपीराइट आ जाए, तो उसके लिए मैं अभी यहाँ पे रख रही हूँ, फिर बाद में मिलते हैं। के जल लग बेटे, जल लग দেখো বডি জলটা দিয়ে দাও, পুরো দিয়ে দাও। উঠলে পড়ে যাবে বলে বলছে। না না পড়বে না, এখন বসে আটতে নেবে তুলে দেবে। আচ্ছা ঠিক আছে। দিস ইজ কল্ড নবান্নো, ও হারভেস্টেড নিউ রাইস, ফ্রুটস, ইজ কাইন্ড অফ কাস্টার্ড। अब हम सब लोग फ्रूट्स फ्रूट्स के साथ इन सब को एक साथ बैठ के खाएंगे और नौबन्नो सेलिब्रेट करेंगे। ओहू, নবান খাবো তো নতুন, গুড বয়। কম বলে কাকে আও।
बस 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 ताओ एट गेम 5 6 बजे हां बस वो खाली वीडियो बनानो ही काल आता गरम है आप भी जा भी एक बार में हां किस में माटी माटी गंध छ ना बोले तो एटा नहीं जल जल पड़े छ बोले माटी माटी सॉरी सॉरी यार खुशबूटा है नींबू। तो अभी हम सबका हो चुका है खाना और इतने सारे लोग आए सब चप्पल ही चप्पल और अभी हम दे देंगे एक कालू को खाना ठीक है और वी ऑलमोस्ट डन आवर फंक्शन और देखो ना कितने सारे जूते लाइक जूते ही जूते जूते ही जूते गेट तक खुला रखो तो दे दो दिए पड़ते अखन तो ओपरे आछे भात कालू खे ही नेबे अच्छा बेस आई भात नहीं आसी भात नहीं आ जाती एक बार दिए दो खे अरे बाट बाट नहीं जाबो ओके आसे तो बाटी तुम पदी काचे सो इस भात को भी उसको दे देंगे कि हाँ तो फिर मोनी चलो ना कि चलो ओ यो ना दिए था वो अपने आप ऐसे खेलेंगे अपने आप खेलने में नहीं जाए দিও দেখনি দিবিগে আচ্ছা আমি বলো তো সেই নয় পুরনো নারীচারি পুরনো নারীচারি পুরনো খায় নতুন মাদি পুরনো খায় নতুন মাদি নতুন বস্ত্র নতুন বস্ত্র পুরনো অন্ন পুরনো অন্ন পাইজন জন্ম জন্ম পাইজন জন্ম দিও দেখনি দিবা দিয়া বানাইটা নিয়ে এসে রেখে দিবি হ্যাঁ টাকাটা রেখে দিবা